खैर अभी इसकी बात करूँ तो यहाँ पर हमने टोटल बनाए हैं 21 फ्लोर। मतलब सोच सकते हो भाई, 21 फ्लोर बनाने में हमको जो मेहनत लग गया ना भाई, वो हमें ही पता है। और भाई साहब लगातार चार चार छः छः घंटे हम खेलते हैं ऐसे फार्म्स के लिए, तो भाई बहुत मेहनत लगती है। तो लाइक कर दिया करो यार, और चैनल पर पहली बार आ रहे हो यार सब्सक्राइब करके उस बेल के आइकन को ऑल पे कर देना। हेलो गाइस, यार वेलकम बैक। एंड भाई आ चुका हूँ मैं फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर। एंड गाइस, आज के इस वाले माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के पार्ट में हम बनाने वाले हैं कतई ओपी वाला स्लाइम फार्म। मतलब कि अब जो हम स्लाइम फार्म बनाने वाले ना, उसको देखने के बाद तो आपको कतई मज़ा आने वाला है। खैर गाइस, आज का ये वाला माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का पार्ट काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो भाई साहब भूल कर भी स्किप मत करना। अब अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी हो तो उसमें आपको पता होगा कि हमने फाइनली 3 बीकन और प्लेस कर दिया अपने विलेज के अंदर। एंड भाई साहब अब हमारे विलेज के अंदर हो चुके हैं टोटल 6 बीकन्स। खैर गाइस, अब यार मेरे को अपनी पिछली 3-4 वीडियो से लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भाई आप जो अपना कैसल बनाया इसमें रहा करो, मतलब ये जो आपने छोटी सा ये जो घर बना रखा है इसमें क्यों रहते हो। तो देखो यार, इस घर के साथ ना मेरे कुछ इमोशंस जुड़े पड़े हैं। अब अगर आपको याद हो, मतलब अगर आप मेरे बिल्कुल माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के पार्ट को पहले एपिसोड से देख रहे हो ना भाई, तो उसमें मैंने अपना ये वाला छोटा सा घर बनाया था उसमें, तो इससे कुछ यादें जुड़ी हुई है मेरी, तो इसलिए यार मैं हर बार इंट्रो यहीं से स्टार्ट करता हूँ। खैर गाइस, देखो यार अब सबसे पहले हमने यहां पर कुछ चीजें सोची हैं। अब सबसे पहले देखो यार, इनमें से 3 बीकन में से ना एक बीकन को हटाकर हम लगाएंगे जहां पे हम अपना स्लाइम फार्म बनाने वाले हैं वहां पे, क्योंकि उससे क्या होगा कि यार हमें माइनिंग करने की स्पीड बढ़ेगी। क्योंकि गाइस हम जमीन से लेकर बेड रॉक तक जाएंगे भाई साहब, क्योंकि जितना बड़ा हमसे हो सकता है ना, मतलब जितना बिगेस्ट स्लाइम फार्म हमसे बन सकता है उतना बिगेस्ट स्लाइम फार्म हम बनाएंगे। सो गाइस, अब मैं आपको दिखा देता हूं कि हम अपना जो स्लाइम फार्म है ना वो कहां पे बनाने वाले हैं। सो अगर आपको सामने ये बाउंड्री दिख रही हो ना, तो भाई ठीक, इन 3 चंक्स पे हम अपना स्लाइम फार्म बनाने वाले हैं। अब अगर आपको अपने विलेज के भी स्लाइम, मतलब कि लोकेशन देखने है कि स्लाइम सबसे ज्यादा कहां पे स्पॉन होते हैं, तो आपको चले जाना है स्लाइम फाइंडर करके एक वेबसाइट है वहां पे, और वहां पे जाके सिंपली आप F3 दबा के आपको अपने एक्स एंड जेड वाली डिग्री डाल देनी है, और वहां पे आपके पास में जो भी स्लाइम के मतलब चंक्स होंगे ना वो आपको शो हो जाएंगे, एंड देन वहां पे जाकर आप अपना स्लाइम फार्म बना सकते हो। अब यार हमारे में मतलब कि जब मैंने वहां पे जाके अपने एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस डाला, तो मेरे को ये 3 चंक्स हो गए कि इन 3 चंक्स पे जो अपने स्लाइम है वो स्पॉन होंगे। सो गाइस, यहां पर हम यहां से जाने वाले नीचे बेड रॉक तक, और जितना बड़ा स्लाइम फार्म हमसे बन सकता है उतना बड़ा बनाएंगे। खैर गाइस, अब इसके बाद क्या है कि यार यहां पर यहीं कहीं पे हम अपना लगाने वाले बीकन, जिससे कि हमको मतलब कि माइनिंग करने की स्पीड भी हमारी ठीक ठाक रहे, मतलब बढ़ती रहे। खैर फिलहाल की बात करते, देखो हमारे पास पिछले वाले एपिसोड में बच गए थे 20 एमराल्ड, तो फटाक से ट्रेडिंग करके हम और एमराल्ड ले लेते हैं। और होमांस की बात करें तो भाई साहब वो ट्रेडिंग करके एमरल्ड ले रहा है, तो मैं भी यहां पर जल्दी से यार सुगर केन ले लेता हूं। और यार चलो यार ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमको नया बीकन लगाने के लिए भाई साहब एमरल्ड तो चाहिए ही होंगे, तो यार मैं जल्दी से सुगर केन ले लेता हूं और यहां पे इनसे पेपर बनाता हूं और जल्दी जल्दी भाई साहब ट्रेडिंग कर लेता हूं। सो फाइनली गाइस, 10-15 मिनट ट्रेडिंग करने के बाद मेरे पास हो चुके हैं ब्लॉक ऑफ एमराल्ड 38, एंड होमांस मेरे से पहले से कर रहा था जब से मैं इंट्रो रिकॉर्ड कर रहा था जब से। तो होमांस तुम्हारे पास कितने हो गए? 2 स्टैक और 25। 2 स्टैक 25, चलो बहुत हो गए। तो मैं अब यहाँ से ये बीकन निकाल देता हूँ। सो गाइज, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ ये वाला बीकन। चलो गाइज, एक बीकन मैंने निकाल लिया है, सो इसको मैं ले लेता हूँ। चलो ले लिया। अब मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है, तो मैं बाहर, अरे हाँ 2 ब्लॉक तो मैं जंप कर सकता हूँ इजिली। चलो गाइज, सो फाइनली गाइज, अब यार देखो मेरे पास है ब्लॉक ऑफ एमराल्ड 38 और थोड़े होमांस के पास हैं, तो अब जहाँ पर हम अपना स्लाइम फार्म बनाने वाले हैं ना वहाँ पर हम अपना बीकन लगा सकते हैं फाइनली। तो सबसे पहले चल कर यार मैं बीकन लगा देता हूँ। सो फाइनली गाइज, यहाँ पर यार एक बीकन के लिए हमने 9x9 का स्टैंड बना दिया और मैंने लगा दिया यहाँ पर बीकन, तो जल्दी से ऑन हो जा भाई। सो चलो गाइज, ये ऑन हो चुका है, अब जल्दी से इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। सो होमांस ने इसको एक्टिवेट कर लिया है, और अब मेरे को पावर मिल चुकी है ये हेस्ट की, हेस्ट 2 एक्टिवेट हो चुका है, जिससे कि यार हम जल्दी जल्दी अब ब्लॉक तोड़ पाएंगे। सो गाइज, अगर आपको ये समझ में नहीं आई कि होमांस को एक एमराल्ड में कैसे मिल रही है सिल्क टच की बुक, तो आप जाकर मेरी वाली वीडियो देखना, बेस्ट चीप ट्रेडिंग ट्रिक।
वो मैंने डाली थी ऑलमोस्ट आज से 10 दिन पहले, तो वो वाला एपिसोड जरूर से जाके देखना। खैर फिलहाल की बात करें तो देखो मैंने एक डायमंड पिकेक्स बना लिया है और इस पर मैं लगाने वाला हूँ सिल्क टच। एंड सिल्क टच से जब मैं स्टोन तोड़ूंगा तो मेरे को स्टोन ही मिलेगा, एंड उसको अगर हम फर्नेस में डाल देंगे तो बन जाएगा स्मूथ स्टोन। तो इससे क्या होगा कि यार हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम बचने वाला है। अब इसके बाद जिस भी तरीके से हम अपना ये बनाने वाले हैं स्लाइम फार्म, वो तो यार आपको आगे दिख ही जाएगा। तो यहाँ पर हमारे तुमने ले लिया ये सिल्क टच नहीं अभी नहीं लिया? हाँ, ले लो। अच्छा अभी लिया ना, चलो गाइस अब यहाँ पर मैं इसको डालता हूँ डायमंड पिकेक्स और ये लगाए सिल्क टच। चलो लग गए सिल्क टच, ये वाला दे रहा था शायद, हाँ ये रहा। सो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इफिशियंसी 5। चलो भाई इफिशियंसी 5 ले ली, अब मैं जल्दी से लगा लेता हूँ इफिशियंसी 5 इस पर। ये रहा अपना एनविल और इसमें मैंने डाली अपनी पिकेक्स और ये लगाया मैंने इफिशियंसी 5। चलो भाई हमान सिल्क टच लग गया मेरी नई वाली पिकेक्स पे और इफिशियंसी 5। सो अब हम रेडी हो चुके हैं। सो सबसे पहले यार दोबारा रात हो गई है तो सोकर दिन कर लेते हैं। सो फाइनली गाइस दिन हो चुका है एंड माइनक्राफ्ट के डेज के हिसाब से हमको 2 दिन तो मतलब ये सब कुछ सेट करने में लगे। खैर फिलहाल की बात करें तो आज इस सुबह से हम फाइनली यार अपने स्लाइम फार्म का काम स्टार्ट कर सकते हैं। सो एक पिकेक्स मैं रख देता हूँ जिसका कोई काम नहीं है, जिसमें फॉर्चून 3 वगैरह लगा हुआ है, वो माइनिंग के काम आएगी। सो इसको मैंने रख दिया यहाँ पर। अभी फ़िलहाल की बात करें तो ये वाली पिकेक्स ज़्यादा काम आएगी और बाकी ये एमरल्ड वगैरह मैं रख देता हूँ यहाँ पे और स्मूथ स्टोन का काम पड़ेगा और ये डायमंड एक्स रख लेता हूँ मॉब्स वगैरह को मारने के लिए। सो चले भाई ओमांस काम स्टार्ट करें। सो फाइनल गाइज अब देखो हम एक पहला चंक पहले माइन करेंगे अंदर तक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो इस तरीके से यार हम माइन करेंगे। सो तब तक के लिए आप टाइम लैप्स इंजॉय करो। I think the girls with their nails done.
अब इसके नीचे यार हमको बेड रॉक भी मिल रही थी, तो यहाँ पे हमने पूरा मतलब कि यहाँ पे कोबल स्टोन लगा के प्लेन कर दिया। खैर अब इसके ऊपर से सामने वाले ये जो तीन चंक्स है ना, इस वाले चंक को छोड़ के जिस पे मैं खड़ा हूँ, इन सामने वाले तीन चंक्स पे हमको अब लगाने हैं भाई स्लैब ऊपर तक। मतलब कि अब इतना जो है ये अपना बनने वाला है, मतलब कि कन्वर्ट होने वाला है स्लाइम फार्म के अंदर। सो अब सबसे पहले तो हमको ये साइड वाली वॉल जो है इनको प्लेन करना है, मतलब ये तो चलो हम स्लैब लगाते लगाते कर देंगे। एंड देन इसके बाद यहाँ पे आयरन गोलम वगैरह, मतलब सारे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता रहूँगा। खैर फिलहाल की बात करें तो देखो यार हमको ऊपर जाना है, तो फिलहाल मैं ऊपर चलना स्टार्ट करता हूँ। चलो हमान सुपर आ जाओ। सो ऊपर जाने के बाद यार मैंने फर्नेस में स्टोन डाल दिए थे एंड वो अभी कन्वर्ट होंगे स्मूथ स्टोन के अंदर। अब उससे हमें बनाना है स्मूथ स्टोन की स्लैब एंड उसको हम फिल करना स्टार्ट करेंगे। और इसी तरीके से हमको मतलब स्लैब पूरी फिल कर देनी है ऊपर तक। और नीचे भाई साहब देखो स्लाइम जो है अपने यार स्पॉन होने भी स्टार्ट हो चुके हैं, और भाई साहब बड़ा वाला स्पॉन हुआ है कथई भाई। खैर अभी फिलहाल की बात करें तो मैं जल्दी से चलता हूँ ऊपर। सो फाइनली गाइज मैं आ चुका हूँ ऊपर। अब इसके बाद सबसे पहला काम हमको अब ये करना है कि ये जो फर्नेस में हमने स्टोन पिघलाने रखे थे स्मूथ स्टोन के लिए, तो यहाँ पर भाई साहब स्मूथ स्टोन बन चुका है। और बाकी का यार ये जितना भी स्टोन है इसको मैं रख देता हूँ चेस्ट में। और ये कोल के, और मतलब कि मैंने यहाँ पे अपने पिकेक्स में सिल्क टच लगा लिया था, अब डेट्स वाई यहाँ पर मेरे को सीधा ओर ही मिल गया। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने पास डायमंड भी है सब कुछ है, तो इनको मैं रख देता हूँ यहाँ पर फटाक से। अब इसके बाद गाइज मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई कि यहाँ पर मेरी एक डायमंड की पिकेक्स टूट गई थी, जिसपे कि इफिशियंसी 5 सिल्क टच लगा हुआ था, वो वाली टूट गई। एंड इसके बाद मैंने वापस से यार यहाँ पर जाकर एक पिकेक्स बनाई एंड उस पर इफिशियंसी 5 सिल्क टच एंड अनब्रेकिंग 3 दोबारा लगाई। मतलब माइनिंग करते करते यार एकदम से नींद सी आ रही थी, तो भाई मेरे को पता ही नहीं चला। और बात करें यार खाने की, तो खाना भी ख़त्म हो गया, तो मेरे को जाकर ब्रेड वगैरह लाना पड़ेगा। हुमंस तुम एक काम करो, इतने फर्नेस में मैंने स्टोन डाल रखे हैं स्मूथ स्टोन, वो सारे निकाल के और चेस्ट में डाल दो, सबसे राइट वाली उसमें रखे थे मैंने सारे। सो गाइज यहाँ पर यार मैंने 39 ब्लॉक ऑफ आयरन ले लिया। अब इसके बाद मेरे को लेने हैं पम्पकिंस, तो पम्पकिन जो है यार वो अपने बीच वाली चेस्ट में होंगे, क्योंकि अपना ये जो पम्पकिन का फार्म है ना, इसका डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है कि सबसे पहले बीच वाली चेस्ट फुल होती हैं। सो यहाँ पर मैं 3-4 स्टैक ले लेता हूँ पम्पकिन के। एंड यहाँ पर हमको बनाना है पम्पकिन से जैक और लैंट्रेन, एंड जैक और लैंट्रेन मतलब हम लगाएंगे ना, तो उसके बाद क्या है कि यार हमारे स्लाइम फार्म को कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल का लुक मिलेगा। सो फाइनली गाइज यहाँ पर यार मैंने बना लिए बहुत सारे स्टिक के स्टैक एंड यहाँ पे कुछ टॉर्चेस भी ले लिए मैंने। अब इसके बाद यार जो अपना नेक्स्ट काम है वो ये है कि मेरे को पम्पकिन को जो है ना कार्ड पम्पकिन में बदलना है, एंड तभी यार हम अपना जैक और लैंट्रेन बना पाएंगे। सो इनको बदलने के लिए मेरे को सीयर्स भी बनानी पड़ेगी, तो सबसे पहले मैं सीयर्स बना लेता हूँ। सो अरे वो तो दो की बन जाती है, तो यहाँ पर मैंने बना लिए सीयर्स। अब इसके बाद मेरे को इनको करना है जल्दी से ऐसे। सो चलो यार जल्दी जल्दी कर देता हूँ, यहाँ पर मेरे को वो भी मिलता रहेगा। हमारे तुम तोड़ते रहो, मैं करता रहता हूँ। तो गाइज यहाँ पे यही सेम प्रोसेस हमको सारे पम्पकिन के साथ करनी है। एंड जब सारे पम्पकिन कार्व पम्पकिन हो जाएंगे तो हमको उससे बनाना है जैक और लैंटर्न। तो उसको बनाने के लिए सिंपली यार हमको यहाँ पर नीचे टॉर्चेस रखनी है, ऊपर कार्ड पम्पकिन रखनी है, एंड बन जाएगा यार अपना जैक और लैंटर्न। सो जैक और लैंटर्न देखने में भाई साहब कुछ इस तरीके से दिखता है। और भाई साहब जब हम इसको अपने स्लाइम फार्म में लगाएंगे ना, तो भाई नेक्स्ट लेवल लुक मिलेगा। खैर यही सेम मेथड यार मैं सारे पम्पकिन के साथ कर लेता हूँ, एंड मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। सो फाइनली गाइज अब यार हमको नीचे से लगाना स्टार्ट करना है स्मूथ स्टोन स्लैब। अब देखो इतनी ऊंचाई से मैं कूदूंगा तो बचूंगा या नहीं, खैर कूद के ही देख लेते हैं। अगर स्टोन लगा के जाऊंगा तो यार वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। वहाँ से तो कूद भी गया भाई, बच गया गाइज। इतनी ऊपर से कूदने के बाद भी यहाँ पर हम दोनों बच गए। खैर यहाँ पर इतनी सारी स्लाइम आ चुकी हैं, तो भाई जल्दी से इन्हें मारते हैं सबसे पहले। तो मतलब अभी भाई बनाया भी नहीं हमने और ये स्पॉन होने लगी पहले ही। सो सबसे पहले इनको मारते हैं। चलो भाई अब यहाँ पर मेरे पास हो चुके 17 स्लाइम बॉल, और मेरे से ज़्यादा तो हुमंस के पास है, क्योंकि वो मेरे से पहले से भाई साहब यहाँ पे मार रहा है। मतलब यहाँ पे स्पॉन हो ही जा रही है स्लाइम। खैर गाइज अब इसके बाद देखो हमको जो स्मूथ स्टोन स्लैब्स है ना, वो कुछ इस तरीके से लगानी, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ स्लैब हाथ में। अब गाइज यहाँ पर यार जो अपनी ये स्मूथ स्टोन स्लैब है ना, ये हमको कुछ इस तरीके लगानी है। सबसे पहले तो यार ये जो अपने तीन चंक्स है ना, इन पे यार हमको नीचे की साइड सब में स्लैब लगा देनी है। तो हम जल्दी से सबसे पहले स्लैब लगा देते हैं यहाँ पर।
सो फाइनली गाइज, यहाँ पे यार हमने फ्लोरिंग का काम कंप्लीट कर लिया है। मतलब पूरे फ्लोर पे हमने स्मूथ स्टोन स्लैब लगा दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम जो हमको ये करना है ना, वो करना है सबसे पहले हमको यहाँ से स्लैब से 1, 2, 3, 4 और 5 पांचवें ब्लॉक के ऊपर की साइड हमको ये स्लैब लगानी है। और उसके बाद कुछ इसी तरीके से, मतलब कि 2 ब्लॉक छोड़ के 1, 2 और 2.5 ढाई ब्लॉक पे हमको एक और स्लैब लगानी है। और ठीक इसी तरीके से ढाई ढाई ब्लॉक के गैप पे हमको स्लैब लगाते जाना है ऊपर तक। और जो स्लैब लगानी है ना, वो जैसे कि ये वाला स्टोन है तो इसके ऊपर की साइड लगानी है कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पर हमने पांचवें ब्लॉक पे, तो फ्लोरिंग से सबसे पहले पांचवें ब्लॉक के ऊपर पे हमने स्लैब लगा दी। एंड इसके बाद सिर्फ अब हमको ढाई ढाई ब्लॉक का गैप देते हुए ऊपर जाना है और हर स्टोन के ऊपर की साइड स्लैब लगानी है। सो सेम पैटर्न हमको सब पर यूज़ करना है। सो यार अब हमको यहाँ पर ये वाला काम स्टार्ट करना है। और भाई साहब हमारी हालत टाइट हो गई, क्योंकि ऑलमोस्ट यार हमको 5 से 6 घंटे हो गए हैं लगातार खेलते खेलते। सो कोई नहीं यार, बाकी काम स्टार्ट करते हैं अब। Later. सो फाइनली गाइज, आफ्टर 10 घंटे की मेहनत, भाई साहब हमने यहाँ पर इतना काम कर लिया है। अब सब कुछ तो यार मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, अब सेम चीज़ें यार मैंने मतलब हर फ्लोर पे अप्लाई कर दी। और भाई साहब यहाँ पर ये देखो स्लाइम भी स्पॉन होने लगी हैं और ये सब मिलके मेरे को मारने आ रहे हैं। खैर इनकी ऐसी की तैसी मैं सबको मार दूंगा भाई। भाई अभी बनने तो दो, फिलहाल की बात करें तो सारी उठा के देखता हूँ। और 40 स्लाइम बॉल मिल चुके हैं मेरे को बनाते बनाते ही। अब यहाँ पर हमने मतलब हमारे जो ग्राउंड फ्लोर था ना, उसको हमने ब्लॉक कर दिया। अब आपको पता होगा कि ये जो अपना नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पर स्लाइम स्पॉन नहीं होती है। दैट्स व्हाई यार यहाँ पर हमने एक स्टोन की वॉल बना दी है। अब ऐसा हमने क्यों करा है, क्योंकि गाइस जो ऊपर से स्लाइम मतलब स्पॉन होकर नीचे आ रही थी ना, वो क्या था कि भाई इस वाले फ्लोर पे चली जा रही थी बचने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी हम मैग्मा ब्लॉक लगाने वाले हैं तो मैग्मा ब्लॉक से बचने के लिए वो अंदर जाएंगी ही जाएंगी। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर हमने इसको पूरा स्टोन से कवर कर दिया है। खैर अपना जो नेक्स्ट काम है वो हमको ये करना है कि अब हमको भाई साहब लाइन से इन दोनों जगह पर आयरन गोलम लगा देने हैं। मतलब कि हर 4 ब्लॉक के बाद हमको आयरन गोलम स्पॉन करना है, जिससे कि जो हर फ्लोर की स्लाइम है ना, वो अपने सामने वाले आयरन गोलम को मारने आए और वो जैसे उसको मारने आएंगे तो वो नीचे गिर जाएंगी। और यहां हम लगा देंगे मैग्मा ब्लॉक एंड इसके अंदर जाके हम लगा देंगे रेल मतलब माइनकार्ट विद होपर। उससे क्या होगा कि जैसी स्लाइम मैग्मा ब्लॉक से धीरे धीरे डैमेज खा के मरेंगी तो वो नीचे हम चला देंगे रेल, तो वो माइनकार्ट विद होपर के थ्रू होते हुए चेस्ट में जाएंगी और चेस्ट में यार अपना जितना भी स्लाइम है वो कलेक्ट होता रहेगा। खैर अभी इसकी बात करूं तो यहां पर हमने टोटल बनाए हैं 21 फ्लोर। मतलब सोच सकते हो भाई 21 फ्लोर बनाने में हमको जो मेहनत लग गया ना भाई, वो हमें ही पता है। और भाई साहब लगातार 4-4, 6-6 घंटे हम खेलते हैं ऐसे फार्म्स के लिए, तो भाई बहुत मेहनत लगती है। तो लाइक कर दिया करो यार, और चैनल पे पहली बार आ रहे हो यार सब्सक्राइब करके उस बेल के आइकन को ऑल पे कर देना, क्योंकि हमारी ये माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज अभी और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। सो फिलहाल की बात करें तो यहाँ पर होमांस ब्लॉक ऑफ आयरन और फैंस के लिए लकड़ियाँ लाने गया था। होमांस ले आए क्या तुम? हाँ ले आए। आ जाओ फिर अगर ले आए तो, जल्दी आ जाओ। अब बस गाइज हमको यहाँ पर आयरन गोलम लगाने हैं और यहाँ पे देखो एक और स्लाइम स्पॉन हो गई। भाई प्लीज़
प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा स्पॉन हो रही हैं अभी, मतलब बनने भी नहीं दे रहे और भाई इतने सारे स्पॉन हो रही हैं। सो गाइज, यहाँ पर यार जो आयरन गोलम है ना, वो हमको कुछ इस तरीके से स्पॉन करना है। वेट मैं आपको बता देता हूँ। सो सबसे पहले मैं एक बार स्लैब ही ले लेता हूँ। चलो यार, अभी मेरे पास स्टोन नहीं है तो यहाँ पे एक ये ले लो। अच्छा हाँ, तुम गिरा दो, तुम्हारे पास है तो। सो फाइनली गाइज, अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमको आयरन गोलम को किस तरीके से स्पॉन करना है। सो अभी फिलहाल की बात करें तो देखो, मैं फर्स्ट फ्लोर के सामने आ गया हूँ। अब हर फ्लोर पे हमको आयरन गोलम को स्पॉन करना है। सो सबसे पहले मैं आयरन गोलम के लिए यहाँ पर बाउंड्री बना देता हूँ, जिससे कि वो मतलब कहीं पे भी जाए ना, पता चले हम यहाँ पे स्पॉन करें और वो मतलब नीचे वगैरह गिर जाए। तो इसलिए यार हम उसके लिए सिंपली सबसे पहले बाउंड्री बना देंगे। अब इसके बाद इस जगह पर हमको आयरन गोलम को स्पॉन करना है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर मैं रख देता हूँ एक ब्लॉक ऑफ आयरन, एक इसके बाद दूसरी, फिर मैं इधर लगा देता हूं और एक यहां पे लगा देता हूं। अब इसके बाद सिंपली मेरे को जैक ओ लैंटर्न रखना है, लेकिन उससे पहले यार यहाँ पर भी मेरे को फेंस लगानी पड़ेगी, वरना वो इस साइड से नीचे आ जाएगा या फिर मेरी तरफ आ जाएगा। सो यहाँ पर मैंने टोटली ब्लॉक कर दिया है। अब इसके बाद मैं थोड़ा ऊपर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर मेरे को सिंपली लगा देना है जैक ओ लैंटर्न, एंड ये स्पॉन क्यों नहीं हुआ? सो गाइज, यहाँ पर मैंने गलती कर दी, फेंस इससे जुड़ गई थी, मेरे को फेंस के ऊपर लगाना है इसको। रुको, अब हो जाएगा। एंड उसके बाद मैं नीचे वाला ब्लॉक तोड़ लूँगा एक बार। सो यहाँ पर मैं इस वाले ब्लॉक को तोड़ देता हूँ, एंड इसके बाद सिंपली मेरे को जाना है ऊपर एंड यहाँ पर लगा देना है जैक ओ लैंटर्न। एंड भाई साहब, आयरन गोलम हो चुका है स्पॉन। खैर, इसी तरीके से हर फ्लोर पे मेरे को करना है। अब इसके बाद इस वाले नीचे वाले फ्लोर, मतलब फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर पे स्लाइम देख लेंगे। अब मेरे को थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर पे एक आयरन गोलम बनाना पड़ेगा। 20 minutes later. सो फाइनली गाइज, यहाँ पर यार हमने सारे आयरन गोलम को स्पॉन कर दिया है। अब सिंपली यार नेक्स्ट काम जो अपना रह गया वो है यार कलेक्टिंग सिस्टम का। अब इस वाले को देखो, मतलब ये तो कतई अलग ही हो गया। खैर, जल्दी से मैं नीचे चला जाता हूँ, इससे पहले ये मेरे वाले ब्लॉक पे आ जाए। और इसके बाद चलो यार चलते हैं, मतलब लाइन से सारे आयरन गोलम्स को स्पॉन कर दिया है। खैर, फटाक से नीचे चलते हैं। एंड मेरे भाई, नीचे आप देख सकते हो कि भाई साहब इतनी सारी जो स्लाइम है वो पहले स्पॉन हो चुकी हैं। अब इनको मारना है सिंपली, मतलब इनको मारने का सिस्टम बनाना है कि हमें ना मारना पड़े इन्हें। खैर, अभी यार हमको चाहिए मैग्मा ब्लॉक, जो कि यार हमको मिलेंगे नैदर में, और इसके लिए अब हमें जाना पड़ेगा नैदर। सो भाई साहब, नैदर नैदर नैदर, तो चलते हैं यार फटाक से नैदर और भाई साहब लेके आते हैं अपने मैग्मा ब्लॉक। सो फाइनली गाइज, हम आ चुके हैं नैदर में और अब हमको ढूंढने हैं मैग्मा ब्लॉक। मैग्मा ब्लॉक हमारे सामने दिख रहे हैं वहाँ पे मेरे को। आ जाओ, इधर से चलते हैं। ओह, राइट में भी है। हमांस, ऐसा करते हैं कि तुम जाओ, तुम इधर से जाओ, चलो मैं राइट से जाता हूँ। हाँ, फिर वहाँ से बीच से एक पाथ बना के हम मिल जाएंगे। सो यहाँ पर कहीं, हाँ ये रहे, मैंने ऊपर से देख लिए थे। सो सबसे पहले मैं ये सोल सैंड बैठाता हूँ। सो चलो गाइज, यहाँ से ये मैग्मा ब्लॉक ले लेता हूँ मैं, इन पे क्राउच कर लेता हूँ। यहाँ पर इन सबको कलेक्ट कर लेता हूँ जितने भी हैं ये, और यहाँ पर भी रह गया कि कोई नहीं, और ये वाले। अब फाइनली यार ये वाले ले लेता हूँ। सो यहाँ पर मेरे पास हो चुके हैं 2 stack मैग्मा ब्लॉक के हैं। सो चलो आगे चलता हूँ। मैग्मा ब्लॉक नीचे के, हाँ नीचे ही है। सो यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ और ये सारे मैग्मा ब्लॉक लेने हैं मुझे। सो यहाँ पर मेरे पास 3 stack होने वाले हैं बस। सो मेरे पास 5 stack हो गए। 5 stack कहाँ मिल गए तुम्हें? एक बड़ी सारी गुफा से निकला भाई, मेरे को भी पता, वहाँ से ऊपर से देखने में 4 लग रहे थे, लेकिन जब अंदर गया ना भाई इतने सारे निकले। तो चलो, अपना काम तो हो गया, 5 stack हो गए, मेरे पास ऑलमोस्ट 3 stack हैं। आ जाओ हमांस, आ गए क्या? बस आ गया पानी। ओ ये हुई बात, और पानी बंद कर दिया ना तुमने शायद। हाँ चलो सही है, वैसे भी हम यहाँ पे मैग्मा ब्लॉक लगाने वाले हैं। और भाई साहब, ये स्लाइम जो है ये ऊपर से गिर गिर के मरे जा रही है, और यहाँ पे अगेन मेरे पास 16 स्लाइम बॉल्स हो गए हैं। सो फिलहाल की बात करें तो अब यहाँ पे यार हमको कलेक्टिंग सिस्टम बनाना है। सो हमांस, तो मेरे को रेल दे दो, चलो रेल लगाने स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास हैं, सही है, तुम 2 stack और 1 stack यहाँ पर ले आयो। तो अब यहाँ पर हम, अच्छा इस तरीके से लगाना है हमको, यहाँ पर लगा दिया नॉर्मल रेल। सो चलो गाइज, यहाँ पे यार मैंने सारी पावर्ड रेल को मतलब एक्टिवेट कर दिया इनके नीचे टॉर्चेस लगा के। अब सिंपली यार यहाँ पर मेरे को एक माइनकार्ट विद होपर छोड़नी है। एंड लो भाई, यहाँ पर हो चुका है अपना सारा काम। अब ये जितनी भी मतलब कि यहाँ पे स्लाइम रहेंगी, इनके ऊपर अभी हम मैग्मा ब्लॉक लगाएंगे, और मैग्मा ब्लॉक में मतलब जितनी भी स्लाइम स्पॉन होंगी
वहाँ पे मतलब कि ये जो माइंड कार्ड विद होपर है उनको कलेक्ट करके एक्टिवेट हो जाएगी। सो यहाँ पर ये उल्टी चढ़ गई है, चल गई है इनके चक्कर में, तो अभी इनको मारना पड़ेगा, इनको लगाना पड़ेगा यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ के, है ना। सो यहाँ पर गाइस जल्दी से यार हम यहाँ पर मैग्मा ब्लॉक लगा देते हैं जिससे कि ऊपर से गिरे तो इनको डैमेज हो जाए। ऊपर चढ़ के देखता हूँ ये देखने में कैसा लग रहा है। सो फाइनली गाइज यहाँ पे यार देखो इस तरीके से यार हमने इस वाले पूरे फ्लोर को मैग्मा से फिल कर दिया है। अब जैसे यार ऊपर से स्लाइम नीचे गिरेंगे तो वो मैग्मा ब्लॉक के थ्रू डैमेज होंगे, एंड जैसे ही डैमेज होकर उनकी स्लाइम बॉल मतलब बन जाती है ना, तो नीचे हमने लगा दिया माइंड कार्ट विद होपर। तो माइंड कार्ट विद होपर से क्या होगा कि होपर उनकी जो स्लाइम है वो खींच के नीचे ले आएगा एंड ला कर इस चेस्ट में रख देगा। सो यहाँ पर उसने एक चक्कर लगाया था और देख सकते हो भाई साहब 7 स्लाइम बॉल उसने ला के इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद जो अपना माइंड कार्ट विद होपर है वो दूसरा चक्कर लगा रहा है, एंड इस वाले चक्कर में अगर ऊपर से स्लाइम गिरती है, स्लाइम स्पॉन होती है, तो यहाँ पर और भी स्लाइम बॉल बढ़ जाएंगी। सो अभी यहाँ पर तो ये हमने ब्लॉक ऑफ आयरन 7 टेस्टिंग के लिए डाले थे कि सही से मतलब कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो फाइनल गाइस 12 घंटों की मेहनत के बाद अपना जो स्लाइम फार्म है वो बन के रेडी हो चुका है। अभी से पहले मैं आपको स्लाइम फार्म दिखाऊं, मतलब लाइक तो बनता है भाई इतनी मेहनत के लिए। सो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा भाई लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आ रहे हो यार सब्सक्राइब करके उस बेल के आइकन को जरूर जोल पे कर देना। अभी से पहले आप ये पूछो कि भाई इतनी ऊंचाई पे कैसे खड़े हो, सो यहाँ पर हमने एक AFK प्लेटफॉर्म बनाया अपने स्लाइम फार्म से 125 ब्लॉक्स ऊपर, क्योंकि अगर हम यहाँ पर आके मतलब कि AFK खड़े होते हैं तो नीचे और भी तेजी से स्लाइम्स जो है स्पॉन होएंगी। सो यहां पर हमने एक AFK प्लेटफॉर्म बना दिया है। अब यहां पर ये जो हमारे ये नीचे इसलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि नीचे हमने लगा दिया सोल सैंड और पर ब्लॉक में हमने पानी डाल दिया है। तो ये है हमें, ये है हमारे ऊपर आने के लिए और यहां से नीचे जाने के लिए। सो बात करें अपने स्लाइम फार्म की, जो अपना स्लाइम फार्म है ना वो 21 फ्लोर्स का है, एंड भाई साहब इतना बड़ा आपने शायद ही देखा होगा। देखा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन यार ये सिर्फ एक ही स्लाइम फार्म है, मतलब बहुत सारे स्लाइम फार्म एक साथ नहीं है, एक इतना बड़ा स्लाइम फार्म आपने शायद मुश्किल ही देखा होगा अभी तक। सो फिलहाल की बात करें तो चलो यार मैं आपको नीचे जाके दिखा देता हूं कि अपना जो स्लाइम फार्म है उसमें हमको कितनी स्लाइम बॉल जो है वो मिलने वाली है। सो अभी यहां पर मैं नीचे कूद चुका हूं और भाई साहब कितनी ऊपर तक उछाल दिया भाई इसने मुझे। सो यहां पर हमने स्लाइम बॉक्स लगा दिए हैं। अब इसके बाद चलो यार मैं आपको जल्दी से जाके दिखा देता हूं, और भाई साहब यहां पर तो 3-3 क्रीपर है, अब इनसे मेरे को बचना पड़ेगा, मतलब अगर ये फट गए ना तो अपने हमने जो शीशे लगाए ऊपर की साइड इनका कल्याण हो जाएगा। सो यहाँ पर तो इसको तो मार दिया, अब इसके बाद मेरे को जल्दी से यहाँ से निकलना है वरना अगर ये फटे तो भाई साहब लेने के देने हो जाएंगे। सो जल्दी चलते हैं यहाँ से नीचे, और भाई साहब ये बस फट ना जाए, हमान सुपर ही रह गया। खैर दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, वो आ जाएगा। अब इसके बाद हम जल्दी से चलते हैं नीचे और देखते हैं भाई साहब हमको कितनी जो स्लाइम्स है वो मिलने वाली है। सो हम नीचे आ गए और नीचे क्रीपर है। ओ भाई नीचे क्रीपर स्पोन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर यार हमको मतलब कि टॉर्चेस वगैरह लगानी पड़ेंगी कुछ, वरना यार यहाँ पे ऐसे क्रीपर स्पोन होएगा और अभी यार हमको सरप्राइज मिल जाता है यहाँ पे। खैर दिक्कत वाली कोई बात नहीं, अच्छा हुआ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, इधर ये रिपीटर वगैरह नहीं टूटे। खैर गाइस ऊपर जाकर हम मतलब हमने वो AFK वाला टावर बनाया और 5 मिनट AFK खड़े हुए, और उतनी देर में यहाँ पर देख सकते हो 1 स्टैक, 2 स्टैक, 3 स्टैक, 4 स्टैक और ऑलमोस्ट 5 स्टैक स्लाइम बॉल हमारे पास होने वाली है। सो भाई साहब देख सकते हो कि अब हमारे पास कहते हैं स्लाइम बॉल होंगी। एंड भाई इसका ना मैं आपको एक बार नीचे से लुक दिखा देता हूँ कि नीचे से देखने में ये कैसे लग रहा है। सो यहाँ पर अगर मैं इसको तोड़ के अंदर जाता हूँ, कोई नहीं हम यहाँ पे बाद में लगा देंगे। सो भाई साहब देख सकते हो नीचे से कुछ ऐसा लग रहा है ये देखने में, और भाई साहब क्या ही लग रहा है, मतलब नेक्स्ट लेवल का तय। और भाई साहब जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें 21 फ्लोर्स हैं। सो बस गाइज आज की इस वाली वीडियो में इतना ही था, कैसा लगा यार आपको ये वाला OP स्लाइम फार्म, मतलब बिगेस्ट स्लाइम फार्म एवर। अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना, हमारी मेहनत के लिए लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आ रहे हो यार सब्सक्राइब करके उस बेल के आइकन को जरूर से ऑल पे कर जाना। एंड हाँ गाइज शेयर कर देना इस वाली वीडियो को अपने माइनक्राफ्ट वाले दोस्तों के साथ। एंड गाइज मैं मिलता हूँ आप सभी को फिर से एक और न्यू माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के पार्ट के साथ। तब तक के लिए See you in the next survival series. Peace.